Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 30th January. आप लोग जानते हो आज संडे है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट. तो 70+ क्वेश्चन का आपका इस वीडियो में आपका रिविजन भी होने वाला है. सो मेक इट श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के कुछ करंट अफेयर्स हम कवर कर लेते हैं. एज यू नो संडे का दिन हमारा जो प्राइम फोकस रहता है वो आपके रिविजन पे रहता है क्योंकि एक दिन आपने ज़रूर रिविजन के लिए रखना ही रखना है. तो संडे हमारा रहता है, इसमें हम करंट अफेयर का रिविजन करते हैं. बाकी जो भी क्वेश्चन अगर रहेंगे वो कल आपको MCQ फॉर्मेट में मिल जाएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज के कुछ करंट अफेयर्स हम कर लेते हैं, फिर आपका रिविजन करवाएंगे जो आपका टेस्ट फॉर्मेट में होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इसे ओपन किया गया विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर फोर व्हीलर्स. इसे ओपन किया गया दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे गुरुग्राम. इंडिया का फर्स्ट हेली हब आपको याद होगा वो भी गुरुग्राम में अभी इनॉग्रेट हुआ था, वो आप याद रखें. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अनंदा नागेश्वरम. अनंदा नागेश्वरम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको अब बना दिया गया, अब बन चुके हैं जी ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. क्योंकि क्योंकि हमारे KV सुब्रमण्यम कुछ टाइम पहले आप लोग जानते हो उन्होंने रिज़ाइन दिया था. आई थिंक दिसंबर मंथ में उन्होंने रिज़ाइन दिया था फ्रॉम दिस पोजिशन. अब जो न्यू बने हैं वो आनंदा नागेश्वरम, ये आप याद रखें. उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है गूगल ने अनाउंसमेंट किया बेसिकली कि वो इन्वेस्ट करने जा रहा है भारतीय एयरटेल, एयरटेल कंपनी में इन्वेस्ट करेगा टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट. तो ये वर्चुअल समिट हुआ, फर्स्ट एडिशन था. इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आके आपका कर्जाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें होस्ट किया. एंड होस्ट किया मतलब कि हमारे इंडिया को इसमें लाइक रिप्रेजेंट किया. एंड ये वर्चुअल समिट थी. ओके तो ये कुछ याद रखे. उसके बाद एक क्वेश्चन और है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक रिपोर्ट आया 2021 में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है गोल्ड का. एंड 10% इंक्रीमेंट देखा गया एंड बढ़ के 4021.3 टन ये डिमांड हमारा 2021 का. एंड यू नो अगर मैं बात करूं इंडिया एंड चाइना को, इंडिया एंड चाइना का देखा जाए तो ये इंडिया और चाइना में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है गोल्ड का. एज यू नो इंडियन का, इंडिया का तो ट्रेडिशन ही है, गोल्ड तो है ही ऑफकोर्स, बट ट्रेडिशन चाइना का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. अब आगे करते हैं जी, अब आपका आ गया रिविज़न, अब आपका रहेगा ये टेस्ट फॉर्मेट में. ओके तो मैं सभी स्टूडेंट से लाइक इतना चाहूँगा कि आप मुझे, आप खुद ही आंसर्स कोशिश करें बताने की, मैं आंसर्स सेम क्वेश्चन में बताते रहूँगा. तो काफ़ी सिस्टमेटिकली 70+ क्वेश्चंस का आपका टेस्ट हो जाएगा. आप स्कोर मुझे बता सकते हो एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपने, आप लोग कितनी चीज़ें आपको याद हैं एंड इस तरीके से आपका करंट अफेयर रिवाइज हो रहा है. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, ये आपने बताना है. सो आंसर आपने मार्क कर लिया है एग्जैक्टली 24th January इज द करेक्ट आंसर. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड ए कंट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3. ओके तो ये आपको बताना है MK3 हम ये एक्सपोर्ट करेंगे किस कंट्री को, ये आपने बताना है. सो दिस इज मॉरिशियस. नेक्स्ट है जी, विच स्टेट हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट बैम्बो विलेज टू एडवांस द बैम्बो सेक्टर. बिल्कुल सही गेस किया है, अगर आपने किया है त्रिपुरा, एग्जैक्टली. ओके आगे बढ़ते हैं. प्रोफेसर MK प्रसादू पास्ड अवे रिसेंटली, कैंपेन फॉर विच ऑफ द मूवमेंट्स, किस मूवमेंट के लिए उन्होंने लाइक इसमें कैंपेन किया था. सो दिस इज सेव साइलेंट वैली कैंपेन. ओके ये केरल में कैंपेन चलाया गया था. ओके तो इसमें इन्होंने, ये कैंपेनर थे लाइक टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन केरल, साइलेंट वैली कैंपेन याद रखें, इनका नाम आप याद रखें. ओके Arrow 3 एंटीबायोटिक मिसाइल वॉज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाई विच कंट्री, तो किस कंट्री द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये आपने बताना है. इसराइल इज द करेक्ट आंसर. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू प्लैनेट ऑफ द साइज ऑफ जुपिटर, इस प्लैनेट का नाम क्या दिया गया,
ये आपने बताना है। सो सबसे बड़ा प्लैनेट आप लोग जानते हो जुपिटर ही है, एंड इसका भी साइज जुपिटर जैसा ही है। सो TOI 2180b इसका नाम दिया गया रिसर्चर्स द्वारा। ओके, हु रिलीज अ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन द कंट्री, जिसके तहत ये कहा गया कि 40% डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हुआ, यानी कि डिजिटल हम ज़्यादा चीज़ें एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, उसकी कंपेरिजन में 40% डिजिटल पेमेंट ही किया हमने। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? RBI। नेम द कंट्रीज दैट इज होस्टिंग द 20th एडिशन ऑफ AFC वुमेन फुटबॉल एशिया कप 2022। तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है ये आपने बताना है। सो इसे होस्ट कर रहा है जी हमारा भारत। हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर। सो ये हैं जी बाबर आजम, पाकिस्तान टीम के प्लेयर बाबर आजम। विच एडिशन ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जिसमें पीएम मोदी ने इसमें रिप्रेजेंट किया इंडिया को, एंड वर्चुअल समिट था, तो ये कौन सा एडिशन था यही आपसे पूछ रहा था। ये फर्स्ट एडिशन ही है। ओके, ए नेटिव फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज कॉमनली नोन फाउंड इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरल हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखो शेड्यूल वन में क्या रहेगा कि अब इसे एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। सो अमेंडमेंट बिल, तो इस फिश को एक और नाम से जाना जाता है यही आपसे पूछ रहा है। दिस फिश इज बेटर नोन एज, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिस केरला। द सीईओ ऑफ विच फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉन 1 मिलियन गिनेस प्राइज फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन डेवलपमेंट। सो सबसे बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी फार्मास्यूटिकल, दिस इज फाइजर, अल्बर्ट बेरोला इसके सीईओ हैं, ये याद रखें। विच मटेरियल विल बी यूज फॉर द स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इंडिया एट इंडिया गेट टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो द मटेरियल दैट विल बी यूज इज ग्रेनाइट। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग मैन स्यूतरिनो दी ला फ्यूंटे बिलोंग टू विच कंट्री, अभी इनका निधन हुआ है जी। सो एग्जैक्टली स्पेन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज द फर्स्ट विलेज मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, दिस इज जैरी हेमलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर रिसीव्ड द हाइस्ट ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग ऑफ 71% अमंग 13th वर्ल्ड लीडर्स। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ऑफ 2022 वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, दिस वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंसेज भी हैं, लॉन्च द मोबाइल कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिगनिंग फ्रॉम विच स्टेट। सो फ्रॉम मिजोरम। रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड 44th कोप बोरोक डे, विच वॉज ऑल्सो नोन एज स्टेट लैंग्वेज डे। कौन सी स्टेट में इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। इंडियन आर्म फोर्सेज गिव ए कंट्रैक्ट टू द डिफेंस कंपनी साब SAAB फॉर द सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन ATA। सो साब कंपनी किस कंट्री की है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, 25th जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थीम भी आप याद रखेंगे, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। व्हेन वाज आर्मी जवान ज्योति एस्टैब्लिश, अमर ज्योति जवान एस्टैब्लिश कब की गई थी, विच इज न्यूज फॉर इट्स मर्जर विद द फ्लेम एट नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप आप लोग कोशिश कर रहे हैं एंड आंसर करेक्टली बता भी पा रहे हैं, 1971। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है एग्जैक्टली 24th जनवरी को।
Saining school in which Indian state has been named after country's first CDS, late General Bipin Rawat. So, ये है जी हमारा यूपी का एक स्कूल है, आगरा में मिलेगा आपको स्कूल है. इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस अ लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इट्स पर्सनल ड्यूरिंग द आर्मी डे परेड. वट इज द रेशियो ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर इन इट? सो रेशियो इज 70-30. रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड सॉट ए बैन ऑन इलीगल सेल ऑफ एपल्स फ्रॉम विच कंट्री? सो ईरान इज द करेक्ट आंसर. विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इन्हें सम्मानित किया गया नेताजी अवार्ड 2022 से. सो शिंजो आबे हैं जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फॉर्मर पीएम थे. ओके, 1 जनवरी 2022 मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स? सो दीज स्टेट्स आर मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा. विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली बैंड 35 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब चैनल्स? सो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री हमारे अश्वनी वैष्णव. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट इज साइंटिस्ट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज हैव क्रिएटेड ए क्लाइमेट हैजर्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया. सो आपको बताना कि CRS ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. यूनियन पावर सेक्रेटरी चेयर्ड द सेकेंड मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट. सो यू हैव टू आंसर दिस मिशन इज ऑल्सो नोन एज समर्थ. ओके, एंड दिस समर स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स. एंड आलोक कुमार पावर सेक्रेटरी हैं, पावर मिनिस्टर हैं आर के सिंह. विच कंटेंट क्रिएटर हैज बिकेम इंडियाज यंग यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन? सो हर नेम इज प्रजक्ता कोहली. ओके, विच स्टेट CM लॉन्चेस अपना कांगड़ा ऐप? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया कब ऑब्जर्व किया जाता है? हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को. हमारे काफ़ी जाने माने हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु रामाचंद्र नागास्वामी, इनका निधन हो गया. काफ़ी फेमस थे फॉर हिज वर्क्स ऑन डिफरेंट टेम्पल्स इंस्क्रिप्शंस. विच स्टेट और यूटी इशूड ए कास्ट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन मदर्स क्रेडेंशियल्स विच प्रीवियसली इशूड ए ऑन द फादर कास्ट सर्टिफिकेट? सो दिस इज दिल्ली. अब मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का. तो इसलिए आपको डेली वॉच करना ज़रूरी है एंड उसके बाद रिविज़न इस तरीके से आप कर सकते हो. विच स्टेट और यूटी टीम विंस 9th वुमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप, जो हिमाचल प्रदेश में हुई, तो ये जीती है लद्दाख टीम द्वारा. ओके, हु हैज बीन नेम्ड एज ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर? सो जॉय रूट, इंग्लैंड के हैं. ओके, पूरा डिटेल दिया गया, आप PDF से एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा. आई होप ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं. हु हैज बीन ऑनर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल बाय प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद? तो ये हैं जी हमारे नीरज चोपड़ा. ओके, विच मूवी इंडियन मूवी गेट्स द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो किस मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? दिस इज कोज हैंगल. हाउ मैनी चिल्ड्रंस अवार्डेड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2022? सो 29 स्टूडेंट्स थे जिसमें सम्मानित किए गए. एंड ये पूरा लिस्ट है, अपने अपने स्टेट का जरूर ध्यान रखें. ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताई थी, आरुषि कोतवाल जम्मू एंड कश्मीर से, जिन्हें सम्मानित किया गया. ओके, जय भीम है मरक्कर, ये दो मूवीज़ हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर ऑस्कर, ये ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है. ओके, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप एन इंडिजीनियस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट फॉर इसका नाम क्या है जो ओमिक्रॉन वायरेंट को टेस्ट करेगी? दिस इज ओम. ओके, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने आपस में समझौता किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा पद्म अवार्ड 2022 अनाउंस कर दिए गए. तो अभी ये बेसिकली 26 जनवरी वाले दिन ऑब्जर्व अनाउंस किए जाते हैं.
आपको इसमें देखो पूरा याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको इम्पोर्टेंट यहाँ देखो पद्म विभूषण आपने ज़रूर याद रखने हैं चार, इसमें तीन हैं जो हमारे पॉस्थियमसली दिए गए यानी कि मरणोपरांत, हमारे जनरल बिपिन रावत भी इसमें इंक्लूड है। एंड पद्म भूषण की बात करें तो 17 पर्सनैलिटीज़ हैं इसमें, 17 पर्सनैलिटीज़, एंड बाकी 104 हैं जी पद्मश्री। ओके, इंटरनेशनल कस्टम डे इसे ऑब्जर्व कौन सी डेट को किया जाता है ये आपने बताना है, तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन हमने अपना 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। ओके, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू इंडिया? रशिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इट लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? सो दिस बुक हैज़ बिन ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। जॉइंट मैरिटाइम एक्साइज पश्चिम लहर कंडक्टेड ऑन 25 जनवरी इन वेस्टर्न कोस्ट इन अरेबियन सी बिटवीन, तो ये हुई है जी एग्जैक्टली इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के बिटवीन, तीनों आर्म फोर्सेज के बिटवीन। पद्मश्री अवार्डी श्री मिलिना साल्विनी पास्ड अवे, ये किस डांस फॉर्म से रिलेट करती थी? सो ये थी जी कथकली के रिलेटेड। हु बैग्ड द वुमेन सिंगल टाइटल एट सईद मोदी इंटरनेशनल टूरिज्म लाइक इन टूर्नामेंट इन लखनऊ, तो ये आपने बताना है, इनका नाम आपने बताना है। सो आई होप आप लोग आंसर ज़रूर बता रहे हो, कोशिश ज़रूर कर रहे हो आंसर बताने की। सो इनका नाम है जी हमारी पीवी सिंधु, एग्जैक्टली शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद। विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड कोच पास्ड अवे रिसेंटली? सो इनका नाम था सुभाष भौमिक। मिया अर्बोर मोटले हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो मिया अमोर मोटले ये बने हैं बारबडोस के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें री इलेक्ट किया गया। विच स्टेट और यूटी गॉट इट्स फर्स्ट ओपन सिंथेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल टर्फ एट 11,000 फीट हाइट? लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली सारा गिल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन विच कंट्री? पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फ्लो इन इंडिया फेल बाय हाउ मच परसेंट इन 2021? सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 26% FDI कम हुआ है। द न्यूली इनोग्रेटेड धर्मशाला स्काई वे इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स धर्मशाला विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विद द रोप वे? धर्मशाला को कनेक्ट करेगा मकलोडगंज के साथ। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया है, थीम आपसे पूछ रहा था, सो इसका जो थीम था वो था जी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इंडिया की फर्स्ट रिफाल फाइटर जेट, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, शिवानगी सिंह। ओके, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्लियर्स फॉर्मेशन ऑफ 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज सत्या या मंगलम टाइगर रिजर्व बैक्स TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर्स पॉपुलेशन, तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। विच स्टेट और यूटी बैग्स हाईएस्ट 115 पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री अवार्ड? तो ये जी हमारी JK पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। विच स्टेट हैज गॉट इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलेस? सो दिस इज केरल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? सो आवर रैंक इज 85। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च AVGC यानी कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉस्मिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो इसे लॉन्च किया है कर्नाटका द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ मैरिन टाइम एक्साइज कंडक्टेड बाय नाटो मेंबर्स इन मेडिटेरियन सी इन जनवरी 2022? सो नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज नेपट्यून स्ट्राइक 2-2। ओके, द रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक आई थिंक नहीं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ। द बैंक रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया हैज बिन डेवलप्ड बाय? सो इसे बना इसे रिपोर्ट पब्लिश किया नीति आयोग ने एंड कुछ सजेशन दिए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, कमर्शियल फोर व्हीलर्स। ओके, जो इलेक्ट्रिक है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी आफ्टर एन ऑयल स्पिल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन? सो दिस इज पेरू।
रेनकोजी टेम्पल अभी न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री में है ये आपने बताना है। ये आपको मिलेगा जापान में। इंडिया लॉन्च्ड ए कमेमोरेटिव कॉइन विद विच कंट्री टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। सो दिस इज इसराइल। विच सिटी इन गुजरात हैज बिन नेम्ड एन अंडर ब्रिज आफ्टर जनरल बिपिन रावत टू ऑनर द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो ये आपको राजकोट में मिलेगा। विच फूड ऑर्डरिंग एंड इंस्टेंट ग्रॉसरी डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म हैज टर्न डेकाकॉन, यानी कि 10 बिलियन का टर्नओवर हो चुका है इसका। सो ये स्विगी। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा अपना इस का जो आपको न्यू टीम, आप लोग जानते हो अहमदाबाद एंड लखनऊ की टीम है, तो इसका लखनऊ का जो न्यू टीम मतलब नाम होगा इसका वो होगा लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड इसके जो कैप्टन है वो है केएल राहुल। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव किससे सम्मानित किया गया असम सरकार द्वारा? सो ये दिया गया रतन टाटा को। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस? सो गाइज, इस वीडियो में हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज करवाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें इस तरीके के वीडियोस के लिए। अभी आपको मंथ जैसे ही ख़त्म हो जाता है, आज 30 तारीख है, 31 के बाद 1 फेब को आई विल ट्राई कि आपको मैं इसका लाइक होल मंथ का करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन्जॉय द संडे।